Assalamu alaikum viewers, my name is Dr. Mujahid Farooq and I am your sex therapist at Men's Skills Clinic. Last video में हमने बात की थी premature ejaculation के बारे में कि वो क्या होता है. इस video में हम आपको बताएंगे कि ये क्यों होता है और कैसे होता है. उसके लिए पहले जानना ज़रूरी है कि हमारे जो sexual organ हैं उनकी anatomy क्या होती है. तो आइए हम देखते हैं, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ. देखें, मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स आप अच्छी तरह से जानते हैं, पेनिस और टेस्टिस हैं. प्री मेच्योर इजैकुलेशन में सबसे बड़ा रोल हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स का होता है. वो कौन से होते हैं आप यहाँ इस पिक्चर में बड़े गौर से देख सकते हैं. ये रेड कलर का ये सारा एरिया जो है ये पेल्विक फ्लोर मसल्स कहलाते हैं. ये हमारे सामने की जो हड्डी होती है, नाफ के नीचे की जो हड्डी होती है, वहाँ से एक्सटेंड करके हमारी दुमची की हड्डी तक जाते हैं और कनेक्ट करते हैं. आप ये देख लीजिए कि जो आपके कूल्हे की हड्डियाँ होती हैं ये इस तरह एक बाउल सा बनाती हैं, एक प्याला सा बनाती हैं, और इसको नीचे से कवर देने वाले जो मसल्स होते हैं हम उन्हें पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं. ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इनकी इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर ये मसल्स वीक हो जाएँ या लूज़ हो जाएँ तो इसकी वजह से प्री मेच्योर इजैकुलेशन हो सकती है. ठीक है, मैं आपको एक दूसरी पिक्चर से वाजे कर देता हूँ. यही जो मसल्स हैं ये हमारे इरेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं. आप यहाँ देखिएगा, ये जो मसल्स हैं इनको बल्बो स्पॉन्जिनियस मसल्स कहते हैं. इनकी कॉन्ट्रैक्शन से आपको इरेक्शन आती है, सख्ती आती है. और अगर ये लूज़ हो रहते हैं या सेक्स के दौरान ये लूज़ हो जाते हैं, इन पे नर्व एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, तो ये उसको शेक करते हैं, उसको लूज़ करते हैं, जिसके नतीजे में आप इजैकुलेट कर जाते हैं. इसको मज़ीद समझने के लिए आप ये देखिए. देखें, ये हैं आपके टेस्टिस, यहाँ आपके स्पर्म्स बनते हैं और यहाँ कलेक्ट होते रहते हैं 24 आवर्ली. ठीक है, अब इसके आगे यहाँ ये वॉल लगा होता है. ये वॉल लगा होता है, ये है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड. और जो मैंने बताया पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं उनकी लोकेशन ये होती है, वो यहाँ पड़े होते हैं. जब इनको झटका लगता है तो ये आपको रिलीज़ करवा देते हैं और आप खारिज हो जाते हैं. इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन से नर्व्स आती हैं और ये वो नर्व्स हैं. जब ये नर्व्स इन मसल्स को स्टिमुलेट करती हैं तो ये जर्क पैदा करते हैं, जिसके नतीजे में आप खारिज हो जाते हैं. अब ये तो हो गई बात कि ये क्यों होता है और कैसे होता है. ठीक है, हम अगली वीडियो में बात करेंगे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के डायग्नोसिस के बारे में. तब तक हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक फॉलो करना नहीं भूलिएगा. बहुत शुक्रिया, थैंक यू.